को की स्थिति देख के सबको रहने दो। कितने में हार गया बंदे को? 20 रुपए। बिकू इतना खतरनाक फोटोग्राफर आया था कि मेरे हस्बैंड जी बुरे हाल हो गए। बोले मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक फोटो जीतूंगा एक खींच लूं मैं जिस हिसाब से बैठ रही। तो हम लोग आ चुके हैं घूम के बापू बाजार और हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली है जो हमने ऑलरेडी गाड़ी में रख ली है। भाभी और मैंने भी सूट लिया और घर वालों के लिए भी हमने सूट लिया। तो अब पता नहीं हम लूटे हैं, हमने अच्छे से लिया पर हमें पसंद आए थे। हम लूटे हैं या हमने लूटे हैं पता नहीं। नहीं, दुकानदार कभी भी लूटते नहीं है, वो घाटे में कभी नहीं बेचते हैं ना। तो हमने ले लिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो म्यूजियम जाओ या फोर्ट जाओ। पर म्यूजियम जाने का हमारा मन नहीं है कि वो मम्मी स्कूल देखनी हमने, और विक्स का मन है कि फोर्ट जाए। और मेरा मन है कि मैं दाल बाटी चूरमा खाऊँ, जिसके लिए मैं कब से बोल रही हूँ लेकिन कोई मुझे खिला नहीं रहा है। भाभी बोल रही है सिर्फ कि खा लेते हैं हम कहीं पे दाल बाटी चूरमा। और तो कोई लेके नहीं जा रहा है खाने के लिए, हम लोगों को भूख लग गई है। अब दोनों देखना इनको, चलो भाभी अब हम अड़ जाएंगे कि हमने खाना खाना है। खाना खाने के लिए दाल बाटी चूरमा खाने, दाल बाटी चूरमा खाएंगे। तो अभी हमने घूमा है हवा महल, फिर हम गए हैं जंतर मंतर, मंतर जंतर मंतर हमें सबसे ज्यादा पसंद आया। फोटोग्राफी कहाँ? फोटोग्राफी अच्छा, जल महल भी गए थे हम। ये है जल महल में, तो इसके बाद हम खाएंगे थोड़ा बहुत और उसके बाद चलेंगे हम दाल बाटी चूरमा खाना। अपने हम 4 बज चुके हैं अभी तक। ओ मैडम जी, तो दाल बाटी चूरमा खाना पिए वो एक्सप्रेशन का सर। तो फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं जयगढ़। ये है रास्ता, तो रास्ते में है गाड़ी, गाड़ी चला रहे हैं प्रवीण जी। और तो अब हम पहुंच गए हैं जयगढ़ किला। तो अभी हम हैं जयगढ़ फोर्ट में और बहुत सही जगह है क्योंकि यहाँ पे तो ये बेसिकली तो रेन हार्वेस्टिंग का लगा मुझे आज के टाइम पे। और दूसरा है कि उस टाइम पे ये सिर्फ मतलब लड़ाई वगैरह के लिए, अगर कोई आमेर फोर्ट पे अटैक कर देता है तो वहाँ पे छुपने के लिए। लेकिन सही बनाया है और काफ़ी बड़ा है ना, और अच्छी जगह है। यहाँ से व्यू बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, पूरे मतलब जयपुर दिखाई देता है जल महल को इंक्लूड करके, और फोटोज भी अच्छी आ रही है। और जिस तरह से ये बनाया गया और क्रिएटिविटी और जो सूझबूझ देख के, अगर आप गाइड हायर करते हैं तभी भी मज़ा आएगा ऐसे तो आने नहीं वाला मज़ा, क्योंकि क्यों पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर गाइड नहीं है तो ये पत्थर की दीवार है, उसको छोड़ के तो कुछ भी नहीं है। तो अच्छा लग रहा है। वैसे हमने सोचा नहीं था कि हम पहुँच पाएंगे इसके लिए, पर हम आ गए हैं। और वी होप कि अब हम नाहरगढ़ भी जाके आएँ। और यहाँ से जो पिंक सिटी का व्यू आता है ना, वैसे तो भैया बता रहे थे हमें नीचे ही कि लोग सनसेट और सनराइज़ देखने के लिए आते हैं, बट हम तो आ नहीं पाए। सनसेट तो हम देख ही सकते हैं, बट मे बी नाहरगढ़ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से तो हमें जाने वाले हैं अभी। और अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारा, ये सब पीछे दिखाई दे रहा है ये सारा, मतलब ये रेन हार्वेस्टिंग टाइप है, आज के टाइम पे भी ये यूज़ हो रहा है। तो सही जगह है, आना चाहिए। मतलब किले वगैरह में तो आई थिंक आना ही चाहिए, अगर आप राजस्थान आ रहे हैं तो विद गाइड आपको किले वगैरह में आना चाहिए, ताकि आपको सारी नॉलेज मिले और आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, है ना। नहीं तो फिर पत्थर की दीवारें हैं उनको पढ़ पढ़ के ही होगा बस बात। हाँ मतलब टाइम सेविंग भी और कॉस्टली भी नहीं होता, कि ऐसे जैसे हमें अभी जो गाइड मिले 4 लोगों के लिए 100 रुपये में मिल गए, तो ठीक है घुमा देंगे हमें वो पूरा किला, पर अच्छा है सही है।
आज ही हमने वापस भी जाना है और भिवाड़ी, और आगे आगे जा रहे हैं दोनों लड़के, ये एक लड़का। और मौसम देखो कैसा हो गया, बारिश होने वाली है। इसी गर्मी से बचने के लिए वो मुल्तानी मिट्टी के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी को पक्का कर, यानी महीने डेढ़ महीने उनको पक्का कर कपड़े तैयार। और एक भैया एक ये भी होता है, इतना बढ़िया आ रहा है। और ये जा रहे हैं सारे लोग विद गाइड, और ये यहाँ का वाइब, और ये मैं, ये ये थे सिपाहियों के रूम। यहाँ पे है गंदा मड वाला पानी, यहाँ पे था जहाँ खजाना मिलने की आशंका थी, मतलब लिया नहीं लिया किसी को नहीं पता। और यहाँ था फर्स्ट और सेकंड रेन का पानी, यहाँ ऊपर ऊपर पानी है, नीचे नीचे मतलब सो कॉल्ड खजाना था जो लूट गया था, और वहाँ मिलता है यहीं का पानी जिसको लोग बोला दूर दूर से पीने के लिए आते, क्योंकि वो जड़ी बूटियों वाले पानी होता है बोला। और कैमल क्या था, कैमल लेदर शूज वगैरह भी मिलते हैं जो बोला मेडिकेटेड शूज होते हैं। इधर अब अभी हमने घूम लिया है जगड़, अभी चले गए हम नाहरगढ़ घूमने के लिए। हाँ तो चलिए हमारे साथ नाहरगढ़। नाहरगढ़ वो ही लास्ट बचा है अब हमें, उसके बाद हम हो लिया। चलो उनको दे दिए हमने पैसे। हाँ दे दिए, ठीक है भाई, थैंक यू। इसी के तहत इस साथ हमारा जयपुर का टूर ख़त्म होने जा रहा है। अभी हम जा रहे हैं अपने आखिरी डेस्टिनेशन नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। हमने जयपुर टूर में अपने 6 डेस्टिनेशन कवर किए हैं, जिनमें पहला अहमेर फोर्ट था, सेकंड में हम गए जल महल, और जल महल में हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। नेक्स्ट डे जल महल गए, नेक्स्ट डे हम फिर जल महल पे गए। जंतर मंतर, जंतर मंतर के बाद हवा महल, हवा महल के बाद हम गए जयगढ़ फोर्ट, और अब हम जा रहे हैं अपने अंतिम डेस्ट।